मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेबर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। जो एब्डोमेन है या पेट है, इसे वास्तव में मैजिक बॉक्स कहा जाता है। इसके अंदर इतने सारे ऑर्गन्स होते हैं और उनके जो सिम्टम्स हैं प्रॉब्लम्स के इतने ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से कि कभी कभी ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये जो सिम्टम आ रहा है ये पेट में किस ऑर्गन से आ रहा है और किस प्रॉब्लम से आ रहा है। अगर हम ध्यान से देखें कि जो एब्डोमेन है उसको 9 भागों में बांटा जाता है। ये आप ध्यान से देख रहे हैं इस फोटोग्राफ को, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, ये एपिगेस्टियम है, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम है, ये राइट लंबर एरिया है, ये लेफ्ट लंबर एरिया है, ये पेरी अम्बिलिकल एरिया है। ऐसे ही नीचे की तरफ लेफ्ट इलियक फोसा, राइट इलियक फोसा, नीचे की तरफ हाइपोगेस्ट्रियम। तो अगर हम ध्यान से देखें कि 9 भागों में बांटा जाता है एब्डोमेन को, जब ये 9 भागों में बांटा जाता है तो जब भी आप सिम्टम लेके आते हैं तो हम देखने की कोशिश करते हैं कौन सा सिम्टम कहां से आ रहा है। सबसे पहले देखिए कि अगर सिम्टम इस एरिया में आया जिसे राइट अपर क्वाड्रेंट या राइट हाइपोकॉन्ड्रियम कॉन्ड्रियम कहते हैं, ये आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो कहां से आ सकते हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि इस एरिया में जो डोमिनेंट जो ऑर्गन्स हैं, नंबर वन इसके नीचे लिवर है, लीवर के नीचे पित्त की थैली है, जो खाने की थैली है उसका ड्यूडेनम का हिस्सा है वो भी इसके आगे आता है। दीज आर द मेजर ऑर्गन्स जो इस एरिया में होते हैं। ये बात सही है कि किडनी के पेन भी इस एरिया में आने की ताकत रखते हैं, बट द मोस्ट कॉमन पेन जो इस एरिया में आएगा, नंबर वन इज द गॉलब्लैडर स्टोन। जो गॉलब्लैडर का स्टोन का पेन है वो हमेशा अटैक में आएगा। 90% टाइम्स ये अटैक नाइट में आएगा, 2 बजे रात के आसपास जो अटैक होगा वो यहां से पीछे जाएगा और उल्टियां होंगी। ये जो अटैक्स हैं वो इतने ज्यादा होते हैं कभी कभी कि बिना इंजेक्शन के कंट्रोल ही नहीं होता। तो अगर यहां दर्द आ रहा है तो गॉलब्लैडर स्टोन हमेशा क्वेश्चन में आना चाहिए। नंबर 2 इज द बिलियरी कॉलिक। जब हम बिलियरी कॉलिक की बात करते हैं तो ये पेन है जो गॉलब्लैडर से आ रहा है या बाइल डक्ट से आ रहा है। जरूरी नहीं है कि स्टोन हो, बिना स्टोन के भी कभी बिलियरी पेन आते हैं या बिलियरी कॉलिक आते हैं। ये जो पेन है ये बहुत सीवियर पेन होगा, इस एरिया में होगा, यहां होगा, ये इस कंधे तक जा सकता है। इसके साथ में भी वॉमिटिंग हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये जो इस तरह के जो पेन है वो स्टोन के अलावा बहुत सारे दूसरे कारणों से आते हैं जिसके बारे में हम आगे चल के कभी बात करेंगे। नंबर 3 इज द एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। जब हम एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस की बात करते हैं इसका मतलब यह है कि जो गॉलब्लैडर है उसकी वॉल में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई है, जो गॉलब्लैडर है वो बहुत डिस्टेंड हो गया है। जो एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस है वो वास्तव में स्टोन के चलते भी हो सकती है, बिना स्टोन के भी चलते भी हो सकती है, जिसे कहते हैं ए कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस। ये दोनों में यही पेन होगा, सीवियर पेन होगा, बट जो पेन होगा वो अटैक के बजाय कंटिन्यूअस पेन होगा जो यहां से पीछे भी जाएगा, कंधे में भी जाएगा और आप मूवमेंट करेंगे चाहे वो खांसी हो, चाहे आप वॉक करें, छींक आए, तो ये दर्द बहुत ज्यादा हो जाएगा। इनफैक्ट थोड़ा बहुत खाने से दर्द तेजी से बढ़ेगा। नंबर 4 पर आता है लिवर का पेन। इसमें सबसे कॉमन इज द एक्यूट हेपेटाइटिस। जो हेपेटाइटिस आप समझते हैं, आपके दिमाग में हमेशा कंसेप्ट होता है वायरल हेपेटाइटिस का। ये बिल्कुल बात सही है कि जितनी भी हेपेटाइटिस हैं उनमें से वायरल हेपेटाइटिस सबसे ज्यादा कॉमन है, चाहे वो हेपेटाइटिस ए हो, चाहे हेपेटाइटिस ई हो, चाहे हेपेटाइटिस बी हो या सी हो। ये हेपेटाइटिस मोस्ट कॉमन है जो यहां लिवर को प्रॉब्लम करती है और दर्द आता है जो पीछे की तरफ जा सकता है, कभी कभी कंधे में भी जा सकता है। हेपेटाइटिस अकेले वायरसेस के चलते नहीं होती है, अल्कोहल के चलते अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होती है, मेडिसिन ने कुछ रिएक्शन कर दिया, मान लीजिए टीबी की दवाइयां उनने रिएक्शन कर दिया, टॉक्सिक हेपेटाइटिस हो सकती है या ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस हो सकती है। तो लिवर में कोई भी इन्फ्लेमेशन होगा वो हमेशा दर्द लेके आएगा। दैट्स नंबर 3। नाउ नेक्स्ट अगर देखें तो अगर लिवर में फोड़ा हो गया या लिवर में एब्सेस हो गया जैसा फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है तो इस तरफ दर्द आएगा जो पीछे भी जाएगा यहां भी जाएगा। ये जो फोड़े हैं ये सिंगल हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, ये अमीबिक लिवर एब्सेस हो सकती है, ये पायोजेनिक लिवर एब्सेस हो सकती है। जब भी इस तरह का दर्द आएगा और लिवर में फोड़ा है तो यह बिल्कुल बात सही है कि द मोस्ट डोमिनेंट सिम्टम वुड बी फीवर, बुखार आएगा, बुखार के साथ ये दर्द होगा और फिर बाकी दूसरे सिम्टम्स आने लगेंगे। ये वास्तव में उस तरह की प्रॉब्लम है जो अर्जेंट अटेंशन मांगती है। द नेक्स्ट वन इज द बटचियारी सिंड्रोम। जो बटचियारी सिंड्रोम है वास्तव में लीवर की जो वेसल्स हैं जो लीवर से बाहर खून लेके जाती हैं उनमें कभी कभी ब्लॉक होने लगता है। अगर उसमें ब्लॉक होने लगेगा तो लीवर से जो ब्लड है वो ठीक से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा या वापस हार्ट की तरफ नहीं जाएगा। अगर ये
जो ब्लड का पैसेज है वो ब्लॉक होगा तो बट चियारी सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कभी कभी पैदाइशी इसमें वैब होता है इन नसों में, कभी कभी इसमें खून का थक्का हो जाता है, अगर ऐसा होगा तो जो वेन होती है वो नैरो हो जाती है एंड ब्लड बहुत इजीली नहीं जा पाता है, तो जो लिवर है वो स्ट्रेच हो जाता है, बड़ी साइज का हो जाता है और इसमें पेन आ जाता है। तो बट चियारी सिंड्रोम इज द वन। द नेक्स्ट वन इज द एक्यूट पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, जो खून की नस जो लिवर को ब्लड लेकर आ रही है अगर उसमें खून का थक्का आया या ब्लॉक हो गई तो भी दर्द बहुत ज्यादा आता है, इसे कहते हैं एक्यूट पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। तो अगर लिवर से बाहर जाने वाली वेन ब्लॉक हुई तो बट चियारी सिंड्रोम होगा, और लिवर के अंदर आने वाली वेन ब्लॉक हुई तो एक्यूट पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस होगी। दर्द दोनों में आएगा, दर्द सीवियर होगा। कभी कभी इस तरफ जो दर्द होता है वो पेनक्रियास से आता है, जो पेनक्रियास से आता है पेन जिसे अग्नाशय भी कहते हैं, पेनक्रियास का पेन सबसे ज्यादा जो इस तरफ आता है इस बेसिकली एक्यूट पेनक्रियाटिस। अगर एक्यूट पेनक्रियाटिस में जो हेड का एरिया है पेनक्रियास वो इन्वॉल्व है जैसा फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, तो अगर हेड ज्यादा इन्वॉल्व है तो वास्तव में सीवियर पेन आएगा इन एक्यूट पेनक्रियाटिस। ये बात सही है कि जो क्रॉनिक पेनक्रियाटिस है जिसमें जो पेनक्रियास डैमेज भी होता है, श्रिंक भी हो जाता है, एट्रोफाइड भी हो जाता है, कभी कभी क्रॉनिक पेनक्रियाटिस का पेन भी इस एरिया में आने लगता है, लेकिन ये बात सही है ये पीछे की तरफ जरूर फैलता है, ये क्रॉनिक पेनक्रियाटिस का पेन कभी कभी परेशान करता है। इस एरिया के अगर हम पेन को ध्यान से देखें तो आप अल्सर डिजीज पर्टिकुलरली द ड्यूओडेनल अल्सर इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये लिवर है, इसके नीचे गॉलब्लैडर है और इसके नीचे ड्यूओडेनम का बल्ब है, और ड्यूओडेनम के बल्ब में ही ड्यूओडेनल अल्सर सबसे ज्यादा होते हैं। तो इस एरिया का पेन वास्तव में अगर पीछे की तरफ जाता है और उसके साथ में बहुत जलन और वो सब आ रही हैं, खट्टे डकारें, तो ड्यूओडेनल अल्सर हमेशा क्वेश्चन में आता है। कभी जैसे बहुत सारा जो इन्फेक्शन से हेलिकोबैक्टर है या गैस्ट्राइटिस डेवलप हो जाती है तो उसमें जो दर्द आता है वो कभी कभी अल्सर जैसी बीमारी का इंडिकेशन देने लगता है, तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस का जो पेन है वो अल्सर के पेन को मिमिक करने लगता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि किडनी वास्तव में है तो थोड़ी सी नीचे, लेकिन कभी कभी इसका जो पेन है वो यहां महसूस होने लगता है, तो जो किडनी स्टोन्स के पेन है वो कभी कभी इस एरिया में महसूस होने लगते हैं, बट यूजुअली नीचे की तरफ होते हैं, इन पेन नीचे की तरफ जाता है। तो अगर यहां दर्द आया और उसके साथ में कुछ यूरिन की प्रॉब्लम भी हो रही है तो किडनी स्टोन को हमेशा क्वेश्चन में खड़ा करने की जरूरत है। इन सब बीमारियों के अलावा जो ट्यूमर्स हैं उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, देयर आर सर्टेन ट्यूमर्स जो वास्तव में इस एरिया में पेन लाते हैं, चाहे वो गॉलब्लैडर का ट्यूमर हो, चाहे वो लिवर के अंदर होने वाले डेवलप होने वाले ट्यूमर हो, चाहे पेनक्रियास के हेड में होने वाले ट्यूमर हो, चाहे वो बाइल डक्ट के अंदर होने वाले ट्यूमर्स हो, ये सभी ट्यूमर्स इस एरिया में पेन लाने की ताकत रखते हैं जो पीछे की तरफ जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, इसमें जो ऑर्गन्स जो है ना मोस्टली अपना जो सिम्टम्स वो लेके आते हैं वो लिवर है, गॉलब्लैडर है, ड्यूओडेनम का बल्ब है, कभी कभार किडनी, कभी कभार हेड ऑफ द पेनक्रियास। दीज आर फाइव ऑर्गन्स जो अपना पेन इस एरिया में लेके आते हैं, और इन पांचों की बीमारियां अलग अलग हैं। हम आगे चल के वीडियोस में इन एक एक बीमारियों पर बात करेंगे। अगर आप समझते हैं इस एरिया के पेन को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।